दोस्तों आज मैं ग्रीन कटी नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बेटे को चेक करने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसका बेटा सो रहा होता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो इंटरनेट को यूज करने के नुकसान का पता करने लगती है। उसे पता चलता है कि इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ रहा है। इंटरनेट बच्चों को गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। बच्चे बिना कुछ सोचे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी बीच उसके बेटे की आँख जाती है। कमरे से बाहर आने पर उसे घर के बाहर उसे एक डरावना मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे डरता नहीं और उससे मुकाबला करने के लिए चाकू उठा लेता है। मॉन्स्टर भी अब घर के अंदर आ जाता है। इससे डरकर वो बच्चा अपनी मॉम के पास चला जाता है। वो अपनी मॉम के पेट में चाकू घुसा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की आशा को दिखाया जाता है। वो एक यूट्यूबर होती है जो अपने चैनल पर रोजाना वीडियो अपलोड करती है, लेकिन उसके सिर्फ 9 सब्सक्राइबर होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं, उसके मॉम डैड और उसका एक छोटा भाई। उसके भाई के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसके लिए वो निकलने वाले होते हैं। वो सब फैसला करते हैं कि बाहर कोई भी फोन नहीं लेकर जाएगा, इसलिए चारों अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ जाते हैं। उसका भाई स्टेज पर गाना गा रहा होता है, तभी आयशा अपनी दोस्त से मिलने के लिए बाहर आ जाती है। अंदर बैठा एक आदमी उसके डैड को बताता है कि इंटरनेट पर एक मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो बच्चों को नजर आता है और उन्हें मजबूर करता है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी चक्कर में एक बच्चे ने अपनी मॉम पर चाकू से हमला कर दिया था। आयशा अपनी दोस्त के मोबाइल से देखती है कि उसकी वीडियो पर अभी भी व्यूज नहीं आ रहे थे, बस एक कमेंट ही आया हुआ था जो कि उसकी क्लासमेट का ही होता है। तभी उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि वो लड़की काफी अजीब है, ना जाने वाव का क्या मतलब हो सकता है। आशा के डैड बाहर आते हैं, उसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये जो तुम्हारी उम्र है ये तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली, इसे मोबाइल में बर्बाद मत करो। जिसके बाद ये सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। आशा की मॉम देखती है कि उसने अपनी आईडी पर टेंशन डिप्रेशन जैसी चीजें अपलोड की थी। उधर उसके डैड भी इसी तरह की चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी आशा के मॉम डैड के पास उस मॉन्स्टर की तस्वीर आती है जो बच्चों को गलत काम करने पर मजबूर करता है, जो देखने में काफी डरावना होता है, जिस वजह से वो दोनों अपने बच्चों को पास बिठाकर समझाने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इंटरनेट पर आजकल इस मॉन्स्टर की ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो बच्चों को नजर आकर गलत काम करने पर मजबूर करता है। ये ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल सकता है, इसीलिए वो इंटरनेट से उनको दूर रहने की सलाह देता है। इसके बाद आशा अपने दोस्तों के वीडियोस को देखने लगती है जो उस मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसका नाम ग्रीन कटी होता है। तभी आशा भी उनको मैसेज करती है और बताती है कि मुझे भी इसके बारे में आज ही पता चला है। अब उसके मॉम डैड की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे ने उस मॉन्स्टर के चक्कर में अपना हाथ काट लिया है, इसलिए वो जल्दी से इंटरनेट पर ग्रीन कटी सर्च करने लगते हैं। उनके इसी डर के साथ उनके घर के बाहर कोई आ गया था। अगले ही पल आशा को ग्रीन कटी दिखाई देने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद इनके घर पर पुलिस आ जाती है। आशा पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मैंने भी ग्रीन कटी को देखा है। वो उन्हें बताती है कि वो काफी लंबा है और उसकी लाल आंखें और उसके लंबे लंबे दांत हैं। वो इस तस्वीर की तरह ही था, वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। ये सब सुनने के बाद ऑफिसर उन्हें बताता है कि पूरे ही शहर में कई जगह से यही कंप्लेंट आ रही है, लेकिन वो इस सब को मजाक समझ रहा था। वो उन्हें बताता है कि कोई ग्रुप लोगों के साथ मजाक तो नहीं कर रहा। आशा के जाने के बाद उसके मॉम डैड पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ग्रीन कटी के बारे में ये सारी अफवाहें हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने इंटरनेट को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। ये सब सुनने के बाद आशा के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसके कमरे में आ जाते हैं। वो उसका मोबाइल और लैपटॉप ले जाते हैं। जब सुबह आशा की आँख खुलती है तो उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ऐसा हो हम सब मोबाइल से दूर रहें, इंटरनेट इस्तेमाल ही ना करें कम से कम एक हफ्ते के लिए। इसके बाद वो अपने बच्चों को एक सेफ बॉक्स को दिखाते हैं जिसमें बिजली से चलने वाली चीजें रखी जाती हैं। ये देखने के बाद आशा के भाई को वो चीज गेम लगती है। वो जल्दी से अपना मोबाइल और लैपटॉप लाकर जल्दी से सेफ बॉक्स में रख देता है, लेकिन आशा ये सब करने को नहीं मानती। उसकी मॉम उससे कहती है कि जब से तुम यूट्यूबर बनी हो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी हो, जितना तुम इन चीजों से दूर रहोगी ठीक हो जाओगी। लेकिन वो जवाब देती हुई उसे बताती है कि मैंने ग्रीन कटी मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते और उसका मोबाइल छीनने लगते हैं, जिसके बीच आशा को फिर से ग्रीन कटी मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है। इसीलिए वो डर कर चीख मारने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने भाई के पास पहुँच जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि तुमने इंटरनेट चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर लिया होगा। उसके भाई ने सच में अपना लैपटॉप छुपाया हुआ था जिसमें ये दोनों ग्रीन कटी के बारे में सर्च करने लगते हैं। लेकिन उनके डैड भी काफी चलाक होते हैं, उन्होंने वाईफाई की तारें ही निकाल दी थी। सबके सोने के बाद आशा सेफ बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है जो कि लॉक
होता है, लेकिन वो किसी तरह चाकू से उसे खोल लेती है। जब वो अपना मोबाइल निकालकर अपना मैसेज बॉक्स चेक करती है तो उसके दोस्त के दो मैसेज आए हुए थे। आशा उसे वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने भी ग्रीन कटी को देखा है, लेकिन तब तक वहाँ पर उसके मॉम डैड पहुँच जाते हैं। उन्हें देखने के बाद आशा अपने कमरे की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके डैड को पता चल जाता है कि आशा ने सेव बॉक्स में से अपना मोबाइल निकाल लिया है। वो उसके कमरे में भी जाते हैं, लेकिन आशा अपने मोबाइल को लेकर बाहर चली जाती है। वो अपने क्लासमेट को भी वीडियो कॉल में शामिल कर लेती है। उसका कहना था कि ग्रीन कटी की वजह से एक लड़की ने भी अपने आप को काट लिया है। तभी उसकी एक क्लासमेट कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन कल छुट्टी मत करना, स्कूल जरूर आना। इसके बाद आशा को अपने गैराज में ग्रीन कटी दिखाई देता है। जैसे ही वो डरकर भागने लगती है तो ग्रीन कटी भी उसका पीछा करने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ के कट मारने लगता है। वो भी उस पर चाकू से हमला करके दरवाजा बंद कर देती है। तभी ऐसा के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि आशा ने अपना हाथ अपने आप काट लिया है। उसकी मॉम उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है और कल स्कूल जाने से मना कर देती है, लेकिन वो उनसे बहाना बनाती है कि कल उसका स्कूल में टेस्ट है, इसलिए वो छुट्टी नहीं कर सकती। लेकिन उसका ये बहाना काम नहीं आता, उसके डैड मना कर देते हैं। आशा उनसे कहती है कि मैं अपने आप को चोट क्यों पहुंचाऊंगी। वो उनसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे स्कूल जाने दो। उसकी मॉम उसकी बात समझ जाती है और स्कूल जाने के लिए अलाउ कर देती है। शहर में चल रहे इन हालात की वजह से स्कूल में बहुत कम बच्चे आए हुए थे। आशा वॉशरूम में उस क्लासमेट से मिलने के लिए जाती है। वो उसको बताती है कि मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, मेरे मॉम ने लेकर वो सेफ बॉक्स में रख दिया है। दोनों इस बारे में बात करने लगती है कि आखिर सेफ बॉक्स का हमारे मॉम डैड को कैसे पता चला। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर उस क्लासमेट के घर पहुँच जाते हैं जो कि बहुत अमीर होता है। उसके घर में पार्टी चल रही होती है। वो यहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आए थे क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं होते। अमीर लड़का भी इनकी बात को मान जाता है। वो उन्हें अपना मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। वहीं पार्टी में एक लड़का वीडियो बना रहा होता है। वो चाकू को लेकर एक्टिंग कर रहा था कि ग्रीन कटी ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया है। आशा के मॉम डैड को पता चलता है कि आज वो स्कूल नहीं आई। तभी वो दोनों लड़कियां उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने लगती हैं। वहीं उन्हें एक औरत मिरिंडा की पोस्ट मिलती है। इसी पोस्ट के जरिए उनके मॉम डैड को इस सेफ बॉक्स के बारे में पता चला था। वहीं पर ग्रीन कटी की एक तस्वीर भी थी। इसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि मिरिंडा ही वही औरत है जिसके बेटे ने उस पर चाकू से हमला किया था। वो वही शुरुआत वाली औरत थी। वो अपनी क्लासमेट से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे मॉम डैड वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो अपनी क्लासमेट से पूछते हैं कि वाओ नाम के कमेंट का क्या मतलब था, क्या तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई। इसके जवाब में ऐसा उससे कहती है तुम्हारी वीडियो अच्छी तो थी, लेकिन जैसी तुम वीडियो में दिखाई देती हो वैसी हो नहीं, यानी कि हमेशा परेशान रहती हो। इसी के साथ आशा के मॉम डैड को वो वीडियो मिल जाती है जिसमें सभी लोग ग्रीन कटी के कंट्रोल में होने का नाटक कर रहे थे, जो वीडियो उस अमीर लड़के के घर पर बनाई गई थी, जिसमें वो आशा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रात हो जाती है। आशा अभी तक उस अमीर लड़के के घर पर ही थी। वो अपने भाई को वीडियो कॉल भी करती है। उसने उसे बताया था कि मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। वो उससे उसके बारे में पता करने लगता है और बताता है कि मॉम डैड तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आज तुम्हारी सामत आने वाली है। लेकिन आशा उससे कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, एक मिरिंडा नाम की औरत है, उसकी जानकारी जल्द से जल्द निकाल के दो। इसी के साथ वो घर के बाहर ग्रीन कटी को देख लेती है। वो वहाँ से भागने का सोचने लगती है, लेकिन जाते जाते वो इंटरनेट पर एक पोस्ट करती है जिसमें वो बताती है कि मिरिंडा ही वही औरत है जिसने इंटरनेट पर ग्रीन कटी के बारे में अफवाह फैलाई है। उसकी ये पोस्ट उसके मॉम डैड भी देख लेते हैं। उन्हें उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगती है। तभी वो पार्टी में आ जाती है। वो वहाँ देखती है कि ग्रीन कटी भी उसको देख रहा है, जो बाकी बच्चों को नजर नहीं आ रहा था। वो उसके गले को पकड़कर चाकू निकालकर उसके पैर को काटने लगता है, लेकिन जैसे ही आशा उस पर चाकू से हमला करती है वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए थे। आशा को जख्मी हालत में देखकर उनको लगता है कि उसने अपने आप को खुद ही काटा होगा, लेकिन असल में ये सब तो ग्रीन कटी ने ही किया था। उसके मॉम डैड आशा को संभालते हैं। वो उनसे पूछती है कि ग्रीन कटी बिल्कुल सामने था, आपने उसे देखा ही नहीं। उसके मॉम डैड उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इधर उसके छोटे भाई को मिरिंडा के घर का पता चल जाता है, जो बताने के लिए वो अपनी बहन को कॉल करने लगता है। तभी उसे लैपटॉप की स्क्रीन में अपने पीछे ग्रीन कटी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले पल ही वो गायब हो जाता है। आशा और उसके मॉम डैड जब घर पर आते हैं, जब वो देखते हैं तो उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब आशा भी बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने साथ वाले बेड पर अपने भाई को पड़ा हुआ देखती है, जो फिलहाल अभी खतरे से बाहर था। उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा दिमाग का डॉक्टर ढूंढ लिया है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आशा अपने भाई का लैपटॉप चेक करने लगती है, जिसमें उसे मिरिंडा के घर का पता चल गया था। वो नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसको पता चलता है कि क्लासमेट भी अब हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उससे मिलने जाती है और वो देखती है कि उसकी टांग पर चोट लगी हुई है। उसकी क्लासमेट उसे बताती है कि मुझे भी ग्रीन कटी दिखाई दिया था, उसने मुझे हमला करके जख्मी कर दिया था। तभी आशा उसको बताती है कि मुझे मिरिंडा के घर का पता चल गया है, और इस बात का खुलासा करती है कि जब भी हमारे माँ बाप डर
ठहरते हैं तो हमें ग्रीन कटी दिखाई देता है। तभी आशा की मम हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि आशा वहाँ से चली गई है, लेकिन लैपटॉप पर जब वो मिरिंडा के घर का एड्रेस देखती है तो वो समझ जाती है कि आयशा वहीं पर गई होगी। आशा मिरिंडा के घर पर पहुंच जाती है और उसे झूठ कहती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूं। मैंने इंटरनेट पर आपकी एक पोस्ट देखी थी ग्रीन कटी के बारे में, लेकिन मिरिंडा उसको बताती है कि मैंने तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली। इसके बाद आशा उससे डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि आप वही हैं जिसके बच्चे ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया था। वो उसे सब कुछ सच बता देती है। वो उससे कहती है लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। आशा उससे पूछती है कि आपको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ग्रीन कटी से बॉक्स इस तरह की चीजों के बारे में आपकी उस पोस्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वो आशा की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से जाने का कहती है और खुद भी घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद आशा उसकी डस्टबिन चेक करने लगती है जिसमें उसे मिरिंडा का लैपटॉप मोबाइल और टैबलेट फेंका हुआ मिलता है। इसके बाद वो चुपके से घर के अंदर आ जाती है और वो मिरिंडा के बेटे के कमरे की तरफ जाने लगती है जिसके दरवाजे पर बहुत बड़े लॉक्स लगाए हुए थे। अंदर आने के बाद मिरिंडा का बेटा उसे मिल जाता है जो कि नॉर्मल हालत में बिल्कुल नहीं था, वो तो काफी डरा हुआ जमीन पर पड़ा था। तभी मिरिंडा वहाँ पर गन लेकर आ जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर आशा की मॉम भी आ जाती है जिनसे मिरिंडा वहाँ पर मिलती है। तभी आशा अपनी मॉम को बताती है कि मिरिंडा के पास गन है और ये अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद करके रखती है, लेकिन उसकी मॉम इसकी बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी को डॉक्टर की जरूरत है। वो उसे एक चांटा मारकर वहाँ से ले जाने लगती है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पर ग्रीन कटी आ जाता है क्योंकि आशा की मॉम को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो अपना गुस्सा गाड़ी की खिड़की तोड़कर निकालती है तो ग्रीन कटी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद आशा की मॉम मिरिंडा के घर वापस आकर कहती है कि मेरी बेटी आशा झूठी नहीं है और वो उसके बेटे का पूछने लगती है। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है। वो उससे कहती है कि ग्रीन कटी की अफवाह तुमने ही उड़ाई है, इसी की वजह से मुझे और बाकी लोगों को क्या क्या सहना नहीं पड़ा, तो प्लीज मुझे सारी सच्चाई बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिरिंडा उसको बताती है कि मैं नहीं जानती है ग्रीन कटी कहाँ से आया है, मैंने एक दिन देखा कि मेरा बेटा खुद को ही काट रहा है, उसको बचाने के लिए मैंने उसे लॉक करके रखा हुआ है। ये सब बताते हुए जैसे ही वो डरने लगती है ग्रीन कटी उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। आशा की मॉम जल्दी से उसके बेटे के पास पहुंच जाती है जो हवा में लटक रहा था क्योंकि ग्रीन कटी ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटकाया हुआ होता है, लेकिन वो आशा की मॉम को नहीं दिख रहा था। इसके बाद मिरिंडा गन लेकर आती है लेकिन उसका बेटा उस पर दोबारा से चाकू से हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। चाकू से वार उसने अपनी मॉम को शांत करने के लिए किया था। अब आशा और उसकी मॉम मिरिंडा के बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। इसके बाद आशा की मॉम उसको प्यार करने लगती है क्योंकि उन्हें अब यकीन हो गया था कि आशा सच कह रही है, ग्रीन कटी सच में है जो ये सब कर रहा है, ये बात अफवाह नहीं है। तभी हॉस्पिटल में उसकी क्लासमेट उसको बताती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसे लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगी। तभी आशा की मॉम उसके डैड को बताती है कि हमारे बच्चे सही है, वो एकदम सच बोल रहे हैं, उन्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो आशा की मॉम को ले जाती है मिरिंडा और उसके बच्चे के बारे में छानबीन करने के लिए। आशा का भाई जब हॉस्पिटल की गैलरी में खड़ा था तो उसे वहाँ पर ग्रीन कटी दिखाई देने लगता है जिसे देखकर जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है आयशा उसे पकड़ लेती है, उसे कमरे में ले आती है। वो उसे बताती है कि मैं मिरिंडा से मिली थी, मुझे पता चला है जैसे ही हमारे माँ बाप डरते हैं तो तभी ग्रीन कटी हमें नजर आने लगता है और हमला करने लगता है। यही वजह होती है कि मिरिंडा के बेटे ने उस पर हमला किया था, वो उनका ध्यान भटकाना चाहता था जिससे वो शांत हो जाए। वो उससे कहती है कि अब मैं भी जानती हूँ कि ग्रीन कटी को कैसे रोकना है, जिस पर उसका भाई उससे पूछता है कि तुम डैड पर हमला तो नहीं करने वाली हो। तभी ग्रीन कटी वहाँ पर आकर उसके भाई का गला पकड़ कर ऊपर उठा देता है। ये सब देखने के बाद आशा अपने भाई को बचाने के लिए बाहर आती है, अपने डैड का ध्यान भटकाकर नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उनका डर जैसे ही थोड़ा कम होता है ग्रीन कटी उसके भाई को छोड़ देता है, वहाँ से उसका भाई भाग जाता है। इसके बाद ग्रीन कटी आकर आशा को पकड़ लेता है, वो ग्रीन कटी पर कई बार चाकू से वार भी करती है लेकिन इससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी, वो तो आशा को अपनी जीभ भी काट कर दिखाता है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, वो अपने डैड पर चाकू से वार कर देती है जो ये देखकर ग्रीन कटी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो दोबारा से आशा पर हमला कर देता है, उसका गला पकड़कर हवा में लटका देता है। ये सब उसके डैड भी देख रहे थे और सब समझ जाते हैं कि मेरी बेटी आयशा सही कह रही थी, ग्रीन कटी वास्तव में है, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन लगा लेते हैं जिस वजह से आशा को छोड़कर ग्रीन कटी वहाँ से भाग जाता है। आशा के डैड उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया था। तभी यहाँ पर बाकी सब आ जाते हैं और सभी लोग आशा के डैड को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तभी हम आशा को दोबारा से वीडियो बनाते हुए देखते हैं, वो इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि ग्रीन कटी वापस आ तो सकता है लेकिन हम सबको मिलकर उसे खुद रोकना पड़ेगा, हम अपने मॉम डैड पर वार नहीं करेंगे बल्कि वो खुश रहेंगे। इसके बाद सभी लोगों की हालत में सुधार आने लगता है, जिन लोगों पर ग्रीन कटी ने हमला किया था अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आखिर में वो बताती है
कि बेशक अब ग्रीन कटी वापस आ जाए, अब हम भी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।